हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। हीरो कंपनी अपनी जा रही है भाई एक और बाइक को लॉन्च करने इंडियन मार्केट में 150 सेगमेंट में। अब वो कौन सी गाड़ी है ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भाई बहुत ही मज़ेदार बाइक आने वाली है। नाम बता देता हूँ, उसका नाम भाई हीरो हंक 150R होने वाला है। ये गाड़ी पहले हमारे इंडियन मार्केट में बिकती थी, डिमांड ना होने की वजह से कंपनी ने बंद कर दिया था, लेकिन अब लोग बाग डिमांड कर रहे हैं भाई, इसीलिए उन्होंने सोचा कि फिर से लॉन्च करते हैं इस गाड़ी को। अब ये कौन से प्राइस में लॉन्च होगी, क्या क्या फीचर्स मिलेगा, कौन कौन सा कलर मिलेगा, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले भाई लुक और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी शानदार एग्रेसिव लुक इसमें मिलने वाला है भाई, काफ़ी स्पोर्टियर दिखने वाली ये गाड़ी। जब आप बैठोगे तो हायर सीसी वाला फील कराएगी, 150 सीसी वाला फील नहीं कराएगी, ऐसा हीरो मोटोकॉर्प ने इस गाड़ी को डिज़ाइन करा है। तो लुक और डिज़ाइन के मामले में A1 होने वाली है। 150 सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती है सबको किल कर देगी लुक और डिज़ाइन के मामले में। बाकी हाँ, कलर इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा आने वाला है भाई इस बार, क्योंकि पिछली बार कलर की वजह से ही बेचारी मार खा गई थी। तो इस बार कंपनी कम से कम 10 कलर ऑप्शन तो निकालेगी ही निकालेगी, ऐसा सूत्रों से पता चला है। बाकी हाँ, रावत फीचर्स वगैरह का, तो इसमें आपको LED हेडलाइट मिल जाएगा, LED टेल लाइट भी मिल जाएगा, इवन इंडिकेटर भी आपको LED भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, स्पीडो मीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, ऐसे बतेरों फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ भी चीज़ आप मिस नहीं करोगे इसके मीटर कंसोल में। बाकी हाँ, रहा बात ब्रेकिंग वगैरह का, तो इसमें आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलेगा, लेकिन हाँ सिंगल चैनल ABS का सेटअप मिलेगा। फ्रंट में 276mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और रियर में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा। बाकी रहा बात इंजन का, तो इसमें आपको 149.9 cc का इंजन मिलेगा ऑल न्यू, जो कि 3-valve इंजन रहेगा, 4-stroke सिंगल सिलेंडर रहेगा, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो आपको मैक्सिमम 14.2 bhp का पावर और 13.6 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। गाड़ी काफी पावरफुल होने वाली है भाई 150 cc सेगमेंट में। इसमें आपको किक स्टार्टर भी मिल सकता है। बाकी इसके अलावा इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड हैंड गार्ड मिलने वाला है, मतलब लगा लगाया हुआ हैंड गार्ड मिलेगा। अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, काफ़ी उससे शानदार लुक निकल के आएगा और सेफ्टी भी थोड़ा बढ़ जाता है हाथ वात का। बाकी USB वगैरह का तो मैंने बता ही दिया। सीट हाइट आपको 790mm के लपेट में मिलने वाला है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलने वाला है, फैमिली वगैरह को भी आराम से इस गाड़ी पे ट्रैवल करा सकते हो। बाकी आपको 17 इंच का टायर मिल जाएगा, फ्रंट में आपको 90x90/17 मिलेगा और रियर में आपको 120x80/17 मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी का कर्वेट भाई 138 किलो के लपेट में होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी इसमें मिलने वाला है। डायमंड फ्रेम कंपनी यूज़ करने वाली इस बार है। रहा बात लॉन्च डेट वगैरह और प्राइसिंग का, तो इस गाड़ी का भाई प्राइसिंग 1,30,000 रुपये के लपेट में होगा, क्योंकि भाई काफ़ी कुछ ऑफर करने वाले कंपनी वाले तो प्राइसिंग तो लेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। और रहा बात लॉन्च डेट का, तो हीरो मोटोकॉर्प भाई 2025 के फरवरी या फिर मार्च तक इस गाड़ी को लॉन्च कर सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो चुका है। तो आप कितना एक्साइटेड हो इस गाड़ी के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तो भैया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को। और हाँ, बता के जरूर जाना भाई ये गाड़ी आपको कैसी लगी लुक और डिज़ाइन में। चलो बाय।